चलो भाई चलो। बीजेपी सरकार हमारी नौकरी जलेबी है अरे मथुराम की जलेबी है जलेबी गोली भाई साहब आड़ा चा मोती भी आ जानी गुहाने के लोग समझदार हो चुके इन चोरों को नहीं जिताएंगे क्योंकि मोदी के नाम पे झूठे वादे हैं। दो दिन का टाइम दे है, दो दिन का टाइम है। देखिए ये बीजेपी का कार्यालय यहाँ पे जहाँ पर कर्मचारी लगाए थे ये धरना प्रदर्शन इस वक्त आप देख सकते हो जो बीजेपी का कार्यालय है उसी के सामने आप देख सकते हो जो कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और यहां पर खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं आपने सुने भी थे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो विरोध है वो किया जा रहा है जो बीजेपी का मेन कार्यालय है इसी के सामने ये सारा विरोध किया जा रहा है। अभी तक कोई बीजेपी का अधिकारी बाहर नहीं आया है। वो दे देंगे वादा रहे हो पटर मर गया पटर मर गया। इस वक्त आप देख सकते हो खट्टर मर गया खट्टर मर गया खट्टर मर गया हमारी नौकरी वापिस करो खट्टर मर गया खट्टर मर गया चोर सरकार मुर्दाबाद चोर सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद हमारी नौकरी हमारी नौकरी खट्टर मर गया खट्टर मर गया हमारी नौकरी खट्टर मर गया हमारी नौकरी हमारी नौकरी खट्टर मर गया खट्टर मर गया खट्टर मर गया हमारी नौकरी हमारी नौकरी। देखिए लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन है बीजेपी के कार्यालय भाई साहब हमारा मामला ये है रोडवेज की हड़ताल हुई थी 18 दिन के लिए उसमें हमें ज्वाइन कराया था 18 दिन जब आपातकालीन की स्थिति थी हरियाणा में बिल्कुल त्राई त्राई मची हुई थी सरकार के लिए उस समय हमारे भाइयों ने प्राइवेट नौकरियां छोड़ छोड़ के सरकार का साथ दिया था बिल्कुल उस समय इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपको डीसी रेट पे पार्ट टू के तहत रखा जाएगा 1989 वाली पॉलिसी के तहत आपको रखा जाएगा। ये हमें यूज करके फेंक देती है हमारे 3000 आदमी है और हमारा परिवार है पूरा आज मतलब त्राई त्राई कर रहा है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है किसी के दुख सुख से ये तो अपना इलेक्शन जीतने के इलेक्शन इलेक्शनों में याद करती है चाहे मेरे इलेक्शन हो चाहे जींद का इलेक्शन हो अब बड़ौदा में याद किए तो हमारे आप सभी का किस तरह का ये आंदोलन यहाँ पर आपने शुरुआत किया किस तरह हमारी नौकरी के लिए आंदोलन है ये हमें अपना ज्वाइन करा जाए जी ठीक है जी हम रोडवेज के कर्मचारी है रोडवेज बेड़े में इनको शामिल किया जाए पक्की नहीं मांग रहे हम डीसी रेट पे मांग रहे हैं पक्की नौकरी हम समझते हैं कि सरकार नहीं दे पाएगी जी। लेकिन डीसी रेट डीसी ऑफिस से लेकर के म्युनिसिपल कमेटी सारे ड्राइवर ठेके पे अरे हमको लगाओ डीसी रेट पे हमको ज्वाइन कराओ हमारा तो एक्सपीरियंस भी हो गया तो इन चोरों से हमारा ये है कि कोई मिला आपसे नेता हमें इलेक्शन के दौरान मिलते हैं जी बीच में कोई नहीं मिलता कोई मंत्री नहीं मिलता कोई संतरी नहीं मिलता इलेक्शन आ जाएंगे जब हमारे
जो नेता है उनसे संपर्क किया जाता है ताकि आपके पास 3000 आदमी आप हमारा साथ दो, हम आपको आश्वासन के दिया आपने भाई साहब? अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है सरकार की तरफ से, सारे के सारे ऐसे यही थी इलेक्शन जितवाओ फिर हम देखेंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, भाई मंदिर का बोला इनका पानी प्योरी ने कोसो रोजी रोटी तेरे से कह दो, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भाई तारा पानी पिवांगे तो हमने कोसांगे जब तक नहीं आंदे, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो देख सकते। ये देखो भाई, ये लाठी चार्ज है हमारे ऊपर, ये दो आदमी मर गए हमारे, लाठी चार्ज है, नौकरी लेना मकसद नहीं है, इन चोरों को दिखाना मकसद है। ये आश्वासन है भाई, ये आश्वासन है सीएम साहब का, सीएम साहब का, अरे ये डीजी साहब का, ये कहा गया था चोर है, सन 1993 के हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा भाई, ये कुछ नहीं करते, इलेक्शन इलेक्शन हम जीते हैं, उसके बाद नहीं जीते कहीं पे भी। लाठी चार्ज की तस्वीर 2019 सन 1993 की पॉलिसी के हिसाब से आपको एडजस्ट किया जाएगा, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, और हम ये चाहते हैं, हम सीएम साहब को उनका वादा याद दिलाना चाहते हैं कि भाई हमें एडजस्ट करें। उन्होंने कहा था कि भाई किलोमीटर से तीन बारी बसें आएंगी, कंडक्टरों को उनमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस करो, इसको वापस करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, रोजी रोटी दे सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है। जेजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, खट्टर मर गया, हाय हाय, दुष्यंत मर गया, हाय हाय, मोदी मर गया, हाय हाय, बीजेपी मुर्दाबाद, दुष्यंत मर गया, हाय हाय, जेजेपी मुर्दाबाद, हमारी नौकरी वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा रोजगार वापस करो, वापस करो, वापस करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 गूंगी बैरी सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हमारी नौकरी वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा रोजगार वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारी नौकरी वापस करो, वापस करो, वापस करो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी हो वो सरकार बदलनी है।